हरे कृष्णा। आजकल एक प्रश्न काफ़ी प्रचलित है कि अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है, और इस प्रश्न का उत्तर सनातन धर्म के अतिरिक्त अन्य धर्मों में नहीं प्राप्त होता। क्यों? क्योंकि अन्य धर्मों में ना तो पिछला जन्म माना जाता है, ना अगला जन्म माना जाता है, लेकिन हमारे जो सनातन धर्म में जो भगवद गीता प्रारंभिक ज्ञान है, तो उसमें भगवान ने बहुत जोर देकर के कहा कि जो शरीर के अंदर जीवात्मा है वो बदलता नहीं है, लेकिन शरीर बदलता है। तो हम शरीर बदलते हैं, तो पिछले मनुष्य जीवन में अगर हमने कुछ कर्म किए हैं तो उनका जो लेखा जोखा है वो उच्च अधिकारियों के द्वारा सुरक्षित रखा जाता है, और उसी के अनुसार हमें इस जीवन में अच्छे और बुरे फल भोगने पड़ते हैं। तो अगर पिछले जीवन में हमने कोई दुष्कर्म किया है और हमारे कर्मों में कुछ दोष हुआ है, तो वो सब लिखा हुआ है, और इस जीवन में अगर हमें प्राप्त होता है तो वो भी पहले से निश्चित हो चुका है कि हमें ये फल प्राप्त होगा। तो ये ज़रूरी नहीं है कि हम जानें कि हमें क्या हमने कैसा कर्म किया था और हमें उसके अनुसार ये फल प्राप्त हो रहा है, लेकिन जो उच्च अधिकारी हैं जिनके द्वारा हमारे कर्मों का सब जो खाता है वो मेंटेन किया जाता है, उसमें सुरक्षित रखा जाता है, तो उसके अनुसार सब कुछ मिलता है। कोई भी कष्ट अगर हमें प्राप्त होता है तो निश्चित जानिए कि वो हमारे पिछले कर्मों का है, हमारे पिछले जन्म के कर्मों का है। तो इस कारण से जो भारत में इस ज्ञान के कारण लोग बहुत बल पाते हैं, लेकिन जो जिनको ये ज्ञान नहीं है तो वे लोग जो है बड़े निराश होते हैं और आत्महत्या भी कर बैठते हैं। तो आजकल आत्महत्या बहुत ज़्यादा हो रही, और आत्महत्या का एक प्रमुख कारण यही है कि व्यक्ति सोचता है कि मैंने कुछ बुरा नहीं किया तो मुझे जो है ये बुरा फल क्यों मिल रहा है, मुझे ये कष्ट क्यों मिल रहा है। लेकिन हमारे जो सनातन धर्म में ये बातें हमेशा बताई जाती हैं, और जो भक्त हैं वो तो ये सोचते हैं कि मैंने तो और ज़्यादा बुरा कर्म किया था और मुझे और ज़्यादा कष्ट मिलना था, लेकिन कृष्ण की कृपा से वो कष्ट मुझे कम मिल रहा है। तो इससे भक्तों को और ज़्यादा बल मिलता है और वो कृष्ण की जो है कृपा देखते हैं। तो ये सबसे ज़्यादा आवश्यक है कि भगवद गीता के ज्ञान को पूरी दुनिया में फैलाया जाए, और इसके द्वारा लोग आत्महत्या करने से बचेंगे और अगले जीवन में जो है अच्छी गति प्राप्त हो, क्या अच्छी से अच्छी गति मिल सकती है, तो उसके विषय में लोग जो है विचार करेंगे और प्रयास करेंगे, क्योंकि अगला भी जीवन है, पिछला जीवन था, अगला भी जीवन है। पिछले जीवन के अनुसार हमें ये शरीर प्राप्त हुआ है और कुछ कष्ट अगर मिल रहे हैं तो हमारे कर्मों के दोषों से मिल रहे हैं। इस जीवन में अब हम कुछ बुरा कर्म ना करें ताकि अगला जीवन और ज़्यादा अच्छा हो, और सबसे अच्छा हो अगर हम कृष्ण की भक्ति करें तो हमारा जीवन ऐसा हो जाएगा कि भौतिक शरीर ही नहीं प्राप्त होगा और आध्यात्मिक शरीर प्राप्त होगा। तो ये जो ज्ञान है भगवद गीता का, ये बहुत आवश्यक है। धन्यवाद। हरे कृष्णा।